बड़ी अपडेट आ रही है, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से सशर्त 6 हफ्ते की बेल मिली है। आपको बता दें कि कोर्ट की बिना इजाजत के दिल्ली से बाहर जाने पर रोक है। करीब 1 साल बाद सत्येंद्र जैन जेल से बाहर निकलेंगे। अभी सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती हैं और खराब सेहत को लेकर ही उन्होंने कोर्ट से जमानत मांगी थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में सहयोगी निपुण सहगल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निपुण, जिस तरह से हमने देखा था कि एलएनजीपी अस्पताल की तरफ से रिपोर्ट सबमिट की जानी थी, उसको लेकर क्या कोर्ट असंतुष्ट दिखाई दी, जिस वजह से 1 साल बाद, 1 साल से इनफैक्ट ज्यादा ही समय हो गया, पिछले साल मई से सत्येंद्र जैन अस्पताल में है और कई बार वो बेहोश हो गए और उसके बाद में एलएनजीपी अस्पताल को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया। देखिए, एलएनजेपी अस्पताल ने हाईकोर्ट को जो रिपोर्ट दी थी, हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था और ये माना था कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और जेल मंत्री दोनों रहे सत्येंद्र जैन, ऐसे में एम्स से जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन तब सत्येंद्र जैन ने याचिका ही वापस ले ली थी। उसके काफी समय के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा था। सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी यही स्टैंड ले रही थी कि एलएनजेपी की रिपोर्ट पर भरोसा ना करें क्योंकि ये दिल्ली सरकार के तहत आने वाला हॉस्पिटल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर जमानत दी है खराब स्वास्थ्य को देखते हुए और 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत है। कहा है निजी अस्पताल में इलाज कराएं, जो भी इलाज करा रहे हैं उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी दें, दिल्ली से बाहर ना जाएं, मीडिया से बात ना करें, ऐसी तमाम शर्तें लगाई गई हैं और 10 जुलाई को मामला दोबारा सुना जाएगा। तो 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिल गई है मानवीय आधार पर, क्योंकि तबीयत खराब रही थी, बाथरूम में गिर गए थे।